हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक ट्रैक करने वाले हैं बिटवीन द स्कोडा कुशाक एंड किया सेल्टोस। तो स्कोडा कुशाक जो है 1.5 DSG है, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्यून के साथ आती है। 150 BHP, 250 NM ऑफ टॉर्क, इनलाइन फोर सिलेंडर ईवो मोटर के साथ आती है इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव। और जैसे कि सबको पता है कि DSG इनिशियली लैग होता है काफ़ी, और ये गाड़ी भी काफ़ी लैग करेगी। और इस गाड़ी के अगर हम वेट की बात करें तो वेट इसका और सेल्टोस का आइडेंटिकल है दोनों गाड़ियों का। दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। पावर ट्रेन्स की बात करें तो दोनों गाड़ियां 7-speed के ट्रांसमिशन से मेटेड है, DCT DSG। ये 1.4 लीटर का TGDI इंजन है, टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। और अगर हम इस गाड़ी के स्पेक्स की बात करें, स्टॉक पावर जो है उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी ट्यून्ड है। और 168 BHP, 290 NM ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्कोडा कुशाक। 20 BHP ऊपर और टॉर्क के मामले में 40 NM टॉर्क ऊपर, तो क्लियरली वहाँ पे एडवांटेजेस हैं सेल्टोस के पास। ECU रीमैप्ड है इसका, TCU रीमैप नहीं है क्योंकि TCU आया नहीं है इसका। क्लियरली भाई एडवांटेज रहेगा उस चीज़ से, वेट एग्जैक्टली सेम है तो, और पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली किया कि बस अपर हैंड होगा इस चीज़ में। तो ड्रैग में एक फ़र्क और ये पड़ सकता है कि भाई एरोडायनामिक एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत मार्जिनली कुशाक की बेटर होगी और सेल्टोस की ऑन द लोअर हाफ होगी अगर हम कंपेयर करें तो। तो सीधा ड्रैग के लिए चलते हैं, वही मिलते हैं आपसे। क्या तुम्हारी क्या सेटिंग्स है? सेटिंग्स मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल, तो हमारी गाड़ी भी गाइस ट्रैक्शन ऑफ है, स्पोर्ट वन में है। हल्की आगे ले लो और फर्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ब्रेक बूस्ट करोगे ना, थ्रॉटल पूरा दबा के रखना, ठीक है? मुझे बता देना कब छोड़ना। 2 पे ब्रेक छोड़ देना, छोड़ दो। हाँ पूरा थ्रॉटल दो, पूरा पूरा। तो गाइस इनिशियली हल्की सी आगे थी ये कुशाक, अब लेकिन सेल्टोस निकल गई है। 100 पे सेल्टोस आ गया है, आ गया आ गया आ गया। और भाई गैप इतना नहीं बन रहा, और येलो बोर्ड पे 400 मीटर पूरे हो जाएंगे हमारे, आधी गाड़ी का गैप होगा। और अब भाई सेल्टोस जीत चुकी है ड्रैग, तो ब्रेक ले लो। अराउंड 160 के आसपास गए थे ना, 160 पे ब्रेक मारी है, और वही था जो आधी गाड़ी का गैप सेकंड गियर में बना था उतना ही बना था। पर विनर सेल्टोस ही रहती है, वही है गाड़ी ट्यून्ड है। हाँ यहीं से यूटर्न ले लो, ट्यून्ड गाड़ी में फर्क तो आएगा इस चीज का। ठीक था सब? सब ठीक था, ठीक है ठीक है। मैनुअल में करके देख लेते, तो वाइज एक बार आप मैनुअल में डाल के देख लेंगे। मैनुअल में डाल दो, आप ड्राइव करके देखो एक बार। ट्रैक्शन ऑफ है, AC अभी भी ऑफ है, सेम सेटिंग्स है और दो ही लोग हैं गाड़ी में। एकदम साथ उठी है भाई दोनों गाड़ियां, और इस बारी गैप थोड़ा कम है पर इतना ही रहेगा आई थिंक। हाँ एकदम साथ साथ चल रही है भाई। कुशाक आगे निकल गई, कुशाक आगे निकल गई भाई। हो सकता है वो, क्योंकि लॉन्च तो एकदम साथ में हुई थी दोनों गाड़ियां, मतलब इतना सा भी ऐसा नहीं था कि वो पहले हुई है ये पहले हुई हो। ठीक है भाई ट्यून का इतना भी फर्क नहीं है, मतलब भाई। वही वैसे भी भाई जर्मन गाड़ियों का थोड़ा सा अग्रेसिव होता ही है, होता ही है। अगर ये ट्यून हो जाए तो ये तो फिर तो ये इसका तो ट्यून ही सीधा फिर 175 BHP है। हां मतलब सीधा 175 फर्स्ट स्टेज ही है। हां स्टेज 1 ही 175 है। ठीक था सब? जादू क्या करा था? मैनुअल थी ना, M1 पे करा था ना, M1 पे बेटर है भाई, फर्क आता है यार। तो हो सकता है फिर काफी फर्क हो, मैं कह तो रहा हूं वोल्टस में और इसमें क्या पता अलग हो थोड़ा। हां हो सकता है, तो फिर एक फाइनल वो कर लेते हैं, यहां से फाइनल कर लेते हैं। तो गाइस अब अगले राउंड के लिए दोबारा आ गए हैं, मैनुअल 1 में ही है, ट्रैक्शन ऑफ, सेम सेटिंग्स। एक बार पूछ ले सेटिंग, चलो रहने दो इसमें करते हैं। अरे उनकी सेम ही है सेटिंग, ठीक है ठीक है। मैक्स अब भाई हल्का पहले निकले हैं, वो बहुत पहले निकले हैं अभी, काफी पहले, उनका लॉन्च काफी बेटर हो गया है। बेटर नहीं पहले निकले हैं वो, 3 से पहले निकल गए हैं, फुल चीटिंग। अब भाई अब तो देखो सेम ही
गैप रह रहा था जब हम आगे थे पीछे रह गया। यार लॉन्च का है खेल, सारा लॉन्च है सारा। तो 160 ओवर चलो धीरे धीरे हो गया। हां पहले हो गया तुम्हारा बट ये मेरे को अभी भी लग रहा है भाई एंड में बाद में रील कर रही थी वो हल्का हल्का बहुत मतलब ऐसा लग रहा है वो लेकिन पता है ना के बराबर है उस हाँ उसके भी बाद ही मान के चलो क्योंकि बहुत स्लो है वो क्योंकि वर्टस तो देख 160-165 पे आती है क्योंकि एरोडायनामिक है। हाँ वही है ये इसके पास वो एफिशिएंसी नहीं है। पीछे ले लो थोड़ा मैनुअल में नहीं मारती डाउन शिफ्ट क्यों मारेगी अरे डाउन शिफ्ट तो मारती है अप शिफ्ट नहीं मारती मैनुअल फर्स्ट में मारूंगा तो फर्स्ट नीचे क्या है नहीं फर्स्ट से नीचे नहीं मारेगी अप शिफ्ट तो कर ही देगी वो तो बस ठीक है फर्स्ट गियर 20 एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ ठीक है ठीक है तुम दे रहे हो ना तुम दे रहे हो हॉर्न तीन हॉर्न हाँ स्मोक्ड भाई ये जीत गए इसके बाद थोड़ी गैप क्रिएट होएगा पिछली बार भी तो यही था आ रही है पर नहीं हो पाएगा भाई देखो आगे गाड़ी ओह कुशा ये सेंटर्स आगे क्या बात है भाई 140-150 ब्रेक मार लेते हैं भाई क्या गाड़ी है पर निकल गई थी सेंटर्स आगे एंड में निकली थी हां क्लोज काफी क्लोज है मतलब सिमिलर है इन दोनों का बहुत सिमिलर परफॉर्मेंस है मतलब वही है एक दो फीट के फर्क से वो जीती है हमारी और वही है मतलब एरोडायनामिकली और अगर थोड़ा वो पर फिर भाई 20 bhp ऊपर है वो 20 bhp काफी ज्यादा होता है स्टॉक गाड़ी होती तो फिर तो उसके सामने स्टैंड ही नहीं करती वो नई वाली सेल्टोस काफी अच्छी है जो आई है अच्छा 1.5 हां वरना वाला डाल 1.5 टर्बो हां 163 bhp जो है हाँ पर वो 163 है 168 है जीत तो फिर भी यही जाएगी हाँ फिर जैसे मैं पेडल दे रहा हूँ हाँ उसके आधे सेकंड बाद रिस्पांस कर रही है बहुत समझी अच्छा वो आधे सेकंड में जब तू आगे पुल कर रहा तो वो कांस्टेंट चलता रहा हाँ फिर सेम आया फिर हाँ ब्रेक हाँ 150 के आसपास क्योंकि गाड़ी आगे थी आगे भाई पर निकल गई थी आगे वो लंबी करते हैं एक और करनी है चलो ठीक है भाई जी एक और रोल रेस के लिए आ गए हैं अब हम मैनुअल वन साइकिल वाला आ रहा है देख लेना हाँ तुम उनकी तरफ है इसलिए और फर्स्ट गियर में थी कुशाक आगे अब भाई गैप कर रही है अब कुशाक कर दे चेंज कर दे चेंज निकल गए भाई अब तो अब नहीं कर रही रील सर डॉस चेंज करते गियर चेंज कर दो रेंज तो 150 हो गए वो आ रही थी यार आ रही कर रही थी हां वो तो वो आ रही इतनी सेम सी दिख रही थी मतलब तेज आ रही थी हल्का हल्का आ रही थी ठीक आ रही थी भाई वो पिछली बार की तरह अच्छा देख रहा बोलेगा वो देखो आरवीएम में तो जितना दिखता है कि साइड में चल रही है गाड़ी ऑब्जेक्ट्स इन मिरर और क्लोजर दान दे ओके पार्क इन्होंने बताया आ रही थी तुम्हारी गाड़ी काफी ज्यादा हां बट मैं कह रहा हूं एक बार कॉप का और चेंज कर दे ठीक है आ जा इस तरफ आ जा हां बस उस साइड जाके फिर एंड कर लगा हां ठीक है तीन लेवल हो गए राइट में ही तो थे कर में हां वही नहीं चलो मैनुअल वन और भाई फिर सेल्टोस आ गया सेल्टोस आ गया पर हम आगे आ रहे हैं हम आगे आ रहे हैं क्या हो रहा है यार एकदम अचानक से भाई कुछ आगे निकल जाती है आगे आ रही है वो आगे आ रही है अरे आगे आ रही थी यार वो अरे यार यहाँ पे कब लो थोड़ा चढ़ा दूंगा 160 हो गए थे क्योंकि ठीक है भाई हो गया सारे राउंड इतने क्लोज हुए हैं और इक्वल चल रहा है मतलब एक वो जीत रहे हैं एक हम जीत रहे हैं ऐसे चल रहा है
सिर्फ आधी आधी गाड़ी का गैप भी नहीं बन रहा, दो दो फिट आगे वो, दो फिट आगे ये। तो गाइस इस रेस का कंक्लूजन ये रहता है कि कुशाक और सेल्टोस दोनों बहुत इवनली मैच्ड हैं। ये 20 bhp ऊपर है, 40 nm टॉर्क ऊपर है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा अच्छे से फेयर करती कुशाक, ऑलमोस्ट साथ साथ ही रहता है, दो फीट आगे कभी ये रहती है, दो फीट आगे कभी ये रहती है, और बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल है। इसका कोई एक कंक्लूजन तो नहीं हो सकता कि यार दिस इज़ द फास्टर ऑफ दीज टू कार, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन पे है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पे आ जाएगा फिर, वो तो हर इंसान की, क्योंकि बहुत इवनली मैच्ड है दोनों गाड़ियाँ। पर फ़र्क वही है कि ये ट्यून गाड़ी है, वो स्टॉक गाड़ी है, स्टॉक गाड़ी की ऑब्वियसली फैक्ट्री पावर फिगर्स हैं, ये जो है इसकी रीमैप्ड फिगर्स हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और एक बार ओनर से पूछ लेते हैं, आप तो खुश हो गए भाई काफ़ी। हाँ भाई बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया, दैट्स ऑल यू हैव गॉट टू से। और क्या, स्पीचलेस छोड़ती है गाड़ी। तो बस यार इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, गिव इट अ बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा बना रही हो, बाय।